वन बी फ्री एक गाना है जो एक मूवमेंट भी है #wannabefree जो हमने शुरुआत की है जिसकी, और इस गाने में मेरे साथ फीचर कर रही हैं रिचा चड्ढा द फैब्यूलस एक्टर. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और इस गाने के थ्रू हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं आप सबको कि बी फ्री फ्रॉम एडिक्शन, एनी एडिक्शन, स्पेशली टू सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी. और अपने आप टेक्नोलॉजी में इतना मत खो जाइए कि आप अपने आप को भूल जाएं, अपनी रिलेशनशिप्स भूल जाएं और अपनी सेफ्टी भूल जाएं. सो मेरे हाथ में अब से गिटार ज़्यादा नज़र आएगा आपको फ़ोन्स के बजाय. ऑफ कोर्स आई वांट टू यूज़ सोशल मीडिया, बट लेट्स यूज़ इट सेंसिबली एंड रिस्पॉन्सिबली. काफ़ी क्रिएटिव आइडिया है सोशल मीडिया पे सॉन्ग बनाना. जी, एक्चुअली मैं बहुत साल से ना लोगों को देखती थी ये ऐप है, बड़े हाई टेक सैवी फ़ोन्स लोग यूज़ कर रहे हैं, और मैं मेरा जो रुझान और मेरा जो इंक्लिनेशन था वो ज़्यादा मेरे म्यूज़िक में और मेरे गिटार में और मेरी स्किल में रहा. लेकिन बीच में मुझे लगने लगा कि माय गॉड मैं बड़ी बैकवर्ड सी हो गई, मुझे तो ब्यूटी ऐप भी यूज़ नहीं करनी आती, मुझे मेरे पास तो फलाना ऐप भी नहीं है, मेरे को तो पिंटरेस्ट भी नहीं पता क्या होता है. तो मैंने अपना जो अटेंशन है इन सब चीज़ों में डालने लगी, और मेरा जो म्यूज़िक है कहीं एक बैक सीट लेने लगा. लाइक आई वॉज ऑफकोर्स इट्स माई फर्स्ट लव, बट आई कैन नॉट, आई मीन आई रियलाइज दैट माई एडिक्शन टू अवर्ड सोशल मीडिया वॉज इंक्रीजिंग. मैं एक तो उस बेड़ियों से छुड़ाना था मुझे अपने आप को भी, और मुझे लगा मुझे ही नहीं, हम सबको जो इतने एडिक्ट बन चुके हैं, हम सबको फ्री होना चाहिए इस एडिक्शन से, एंड लेट्स वन मेक अ सॉन्ग लाइक दिस. सो मैंने रिचा चड्ढा को अप्रोच किया एंड शी लव द होल आइडिया. उनके भी बहुत बढ़िया इनपुट्स और आइडियाज़ आए उनकी तरफ से, एंड आई थिंक वी वर ऑन द सेम पेज, एंड दिस सॉन्ग हैपेंड. वी शॉट इट इन गोवा, और आप विजुअल्स देखेंगे, विजुअल्स में कुछ हमने कुछ सैड या डार्क ऐसा कुछ नहीं दिखाया, बहुत फन सॉन्ग है, मैसेज बहुत साफ साफ क्लियरली नज़र आता है. दिस सॉन्ग इज़ वेरी रेलिवेंट टू टुडे. एब्सोल्युटली नहीं नहीं नहीं, मेरी तो तहे दिल से वो यही थी, चाहत थी कि मैं रिचा चड्ढा को ही इस गाने में फीचर करूं, एंड आई व्हेन आई कॉल्ड हर शी हर्ड द सॉन्ग, शी लव्ड इट, एंड आई सेड वाओ ग्रेट. सो ये गाना अभी अभी रिलीज़ हुआ है, आज ही रिलीज़ हुआ है, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. ऑलरेडी ट्विटर पे इसके बहुत सारी ट्रेंडिंग हो रही है, लोग सोशल मीडिया पे, जो मैं कहना चाहूँगी सोशल मीडिया में वी शुड यूज़ इट टू प्रमोट आर म्यूज़िक, प्रमोट आर थॉट्स, आर मैसेजेस. सो वही हो रहा है, और गाने को बहुत बहुत सराहना मिल रही है. So on Rashmi Virag lyrics, yes. काम करना कितना complimented था, मतलब कितना challenging था, उसमें क्या कहना चाहिए? रश्मि विराग ने मेरे लिए जिंदा हूँ मैं आपको याद है वो लिखा था वो वाला गाना, और उसके बाद दो तीन और बड़े अच्छे गाने लिखे थे मेरे लिए. उसके बाद रश्मि विराग ने बहुत अवार्ड विनिंग सॉन्ग जैसे मुस्कुराने की वजह, खामोशियाँ, गणपत, इतने सारे गाने लिखे हैं. तो मैं तो उन्हीं के साथ मोस्टली काम करती हूँ, तो जब मैंने उनको बताया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आई थिंक 15 मिनट के अंदर उन्होंने ये गाना लिखा है. आई थिंक इज द फास्टेस्ट दैट ही इज एवर रिटन समथिंग. जी, सो इल्यूमिनाटी, हम इल्यूमिनाटी नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, हमने एक सिंबल दिखाया है जो विच शोज दैट दिस इज़ अ सर्टन मेटाफोरिकल थिंग जो हमको कंट्रोल कर रहा है. सो टेक्नोलॉजी को हमने ये वाला सिंबल दिया है, जो टेक्नोलॉजी इतना हमको, हम टेक्नोलॉजी के स्लेव्स बन चुके हैं. सो वी शुड नॉट बिकम स्लेव्स टू एनी थिंग, नेवर बी एडिक्टेड टू एनी थिंग. इस बार अलग हुआ. आई थिंक हर बार आप कुछ नया लेके आए, कुछ री इन्वेंशन करें, तो फैंस को भी पसंद आता है, पब्लिक को भी पसंद आता है. तो मैं हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करना चाहती हूँ. सो आप अपने सॉन्ग को एक बार हमें सुनाना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर. खुद से मिले हुए अरसा हुआ, पता
और ये आ गई, सेट हर फ्री प्लीज, इन बेड़ियों से मुझे आजाद करो। मैंने बेड़ियों से सुबह आजाद किया, सुबह आजाद किया था हथकड़ियों से। आ गई हमारी ऋचा चड्ढा, इस गाने की हीरोइन, प्लीज जोरदार तालियां। गाइस देखिए, सिंगर्स का जमाना है और शिबानी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू किया है, वॉन्ट बी फ्री, कि कैसे सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज़ है पर सोशल मीडिया का एडिक्शन, जैसे कि कोई भी एडिक्शन, कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए द इंस्पिरेशन इज़ टू बी फ्री, और जो बात जिंदगी को लाइव जीने में है वो उसको इंस्टा स्टोरी बना के जीने में शायद नहीं मिलती। सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट टूल एंड अ ब्लेसिंग, पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना चाहिए। मुझे दिमाग में ये आया कि जैसे हम कभी साइट सीइंग के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि सनसेट हो रहा है या खुले चांद की रात है, तो लोग फ़ोन पे उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, दे डोंट एंजॉय द मोमेंट। एक टेबल पे बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं साथ में, पर एक दूसरे से बात नहीं करते, उसको एक दूसरे को टेबल के आसपास भी टेक्स्ट करते रहते हैं, फ़ोटोज़ लाइक करते रहते हैं, तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन जो कम हो रहा है, एक सेंसिटिविटी कम हो रही है। केसेस आते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो लेते रह गए और किसी की जान चली गई, ये बहुत बड़ा पाप लगता है मुझे। सो इसलिए आई वाज ड्रॉन टू द सॉन्ग। सो रिचा, इन रियल लाइफ आप किसे इस तरह देखती है जो फोन पे हमेशा बिजी होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में? ओ एक्चुअली आप लोग हंसेंगे पर हार्डली एनोनिमस का अभिषेक ठुकराल काफ़ी समय फ़ोन पे बिताते हैं, उनको सोशल मीडिया का एडिक्शन भी है। आई थिंक उसके काम, हिज वर्क डिमांड्स इट, बट वो ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक हर एक इंसान को कम से कम दिन में एक दो घंटे, मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं तो फ़ोन नहीं छुआ, एक दो घंटे फ़ोन साइड पे रख के चैन से रहना चाहिए। एडिक्टेड होने से पहले मैं समझ गई कि ये तो बहुत ही सेडक्टिव है, इससे थोड़ा पीछे हट जाऊँ। मैंने तो इससे पहले कोई सिंगल किया ही नहीं। Actually, yes, you know, आज मैंने तो इससे पहले ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम शी डन अ सॉन्ग ऑन स्क्रीन, इट्स एक्चुअली दिस इज मोर ऑफ अ डिजिटल थिंग, और वापसी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने कोई सिंगल किया ही नहीं। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई डू, इसका भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था। इसलिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म आप इतना बड़ा मानती है न्यू कॉमर्स के लिए, एंड जो न्यू टैलेंट है जो आना चाहते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, देखिए बहुत अच्छा है। लोग यूट्यूब में अपने वीडियोस खुद अपलोड करते हैं, गाने के, डांस के, और वहाँ से फेमस हो जाते हैं, उनको काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इससे अच्छा क्या है। इट्स वेरी गुड बट एडिक्शन इज़ बैड, दैट्स ऑल। व्हिच वन योर फेवरेट, बात करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा रेफर, कौन सी आपको ऐप करती है या? आई थिंक काम के लिए तो सब लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप ही देखते हैं, बट मैं रिसर्च के लिए काफ़ी बार पिंटरेस्ट देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।